नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 11:30 बज गए हैं पूरे। सुबह का हमारा काम निपट चुका है, सारा फिनिश कर दिया हमने। और अब बस दोपहर का शुरू होगा और मैं हो गई हूँ तैयार। और मैं और मम्मी जा रहे हैं बाजार। मम्मी को जाना है मार्केट, मुझे तो जाना नहीं था। तो मम्मी कल भी कह रही थी मुझे कि चलेंगे बाजार, तो मुझे सामान लाना, तो कल टाइम ही नहीं लगा, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो मैं कहा चलो अब चलते हैं, हो गया तो टाइम 11:30 ही, धूप होगी बहुत तेज, लेकिन मैं कहा पूरा दिन फिर भी ऐसे ही निकलता चला जाता है, तो चलते हैं। और मम्मी तो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, और घर का ही सामान लाना है कहती मम्मी, घर का ही, कई दिन हो गया। मैं सोच भी रही थी अब चल दोनों जने जाकर ले आवेंगे, मैं कहा चलो ले आएंगे। और बस इसीलिए हमने जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया। खाने का है, आज का जो खाने का प्रोग्राम है वो ऊपर है, सुमन बना रही है खाना सबके लिए। वो कह रही थी कि दीदी मैं बना लूँगी, मैं कहा चलो। तो रुचि भी उसके पास ही है, दोनों लगी हुई है। और मैं दिखाती हूँ आपको जाके, ऊपर मम्मी भी गई है कुछ पूछने के लिए, मैं दिखाती हूँ वहाँ पे जाके। तीनों सलाह कर रही मेरे तो छुप छुप के, क्या कर रही तुम तीनों? हाँ इन्होंने तो बता दी, लाल तो लाई है इन्होंने, कह रही है रेड ही लगा हुआ है। तो तेरे लिए क्या ला मैं? चप्पल रुचि, अच्छा बना लिया क्या खाना? चलो बना लो, इतना दोनों लग के बना लो, इतना हम घूम आवे दोनों सासू बहू, तुम दोनों दुरानी जेठानी, तुम दोनों बना लो। हाँ ले आवांगे, ठीक है। तो यहाँ चल रहे जी हम दोनों, मम्मी भी देके तैयार है, मैं भी तैयार। चलो बस लेट हो गए मम्मी, बहुत 12:00 बज गए यहाँ तो, 12:00 बज गए मका। चलो तो जी हम आ गए हैं बाजार से और टाइम हो गया, 2:00 बज गए और 12:00 बज गए थे जब चले थे, क्योंकि वो ऑटो मिलने में भी बहुत टाइम लग गया था। और जो सामान लेने हम गए ना वो हमें मिला नहीं। सारा बाजार घूम गया है और हम दोनों फिर ऐसे ही आ गए, थक गए पूरी दोपहर। बस मम्मी को डॉक्टर के यहाँ दिखाया, क्योंकि इनके जड़दंत चीस रहे थे, उसमें लग गया टाइम। फिर असल में जिस दुकान से हमें सामान लेना था वो दुकान थी बंद, और उसी से ही हम लेते हैं, ये कारण रहा। आ जाओ मम्मी। और अब चल रहे हैं हम ऊपर, क्योंकि ये सब वेट कर रहे हैं हमारे खाने का। बस मैंने तो मुँह हाथ धो लिए, मम्मी कह रही मैं तो नहाऊंगी और कपड़े बदलूंगी जब आऊँगी तू जा। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, अब उन्होंने खाना बना रखा, वे वेट ही कर रहे होंगे हमारा। तो चलती हूँ, सारे ऊपर ही है, बस इसके चाचू और पापा ही है नीचे, और देखते हैं क्या कर रहे हैं सारे के सारे। कहाँ लग रही था, हो गया काम? खा लिया सबने? हम ही रह रहे मैं, मम्मी और तू है, रुचि ना खाली। चलो जी भूख लग रही है, अम्मा भी पूरी तेज, और बच्चे भी आगे आगे। हेलो हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। अरे तो भी नमस्ते कर, है तो गंदा बच्चा। तो जी खा लेते हैं हम खाना, भूख लगी हुई पूरी तेज। मम्मी तो ना आवेगी, मैं तो मुँह हाथ धो गई आ गई, मगर वो तो बस वैसे ही खा लूंगी नू कह रही थी। तो जी देखिए हमारा खाना लग के तैयार हो गया, राजमा बनाया हुआ सुमन ने और चावल, और बस मम्मी भी आ गई, मम्मी भी खा रही और मैं भी, बस सुमन ने भी नहीं खाई हमारी वेट में। मैं इसे कह रही हूँ चल तू भी खा ले, सभी खा लेंगे क्योंकि भूख का टाइम तो हो ही रहा। तो यहाँ आ गई है इसकी भी खा ली, और रुचि जी ने खा लिया, रुचि जी तो लेट गई है मैडम जी खा खू के, उसने खा ली होगी पहले ही। तो यहाँ बस हम खाएंगे तीनों। देख
क्या है, ये चारों बहन भाइयों का स्कूल खोल रखा है, दरवाजा यहाँ बिल्कुल बंद कर रखा है, और इन्होंने अपना स्कूल खोल रखा है। और दो टीचर है, दो बच्चे, एक उसकी टीचर बन रही है, एक उसकी टीचर। कौन टीचर है, कौन बन रहा टीचर? अच्छा, अरे स्टूडेंट, तो यहाँ का गेम चल रहा, दरवाजा बंद कर दो या खेल रहे हैं अंदर। और इधर मम्मी सर की हो रही है मालिश, रुचि कर रही। आप किधर के लिए हुए तैयार? खेत में जाना, बहुत काम पड़ा। वहाँ का हो गया क्या? ये खूब ये खुद का हो गया क्या? होगा बांध का हो गया, बांधने का चल रहा होगा तो एक ना काम। अच्छा चलो, वो तो कुछ कह रहे थे उसे दे देंगे, उसे फोन कर देंगे, बोले जाएगा सुनने को। हाँ नहीं कहते, पाँच तो नहीं बजे भी। अभी रुचि घड़ी की तरफ बार बार नहीं आ रही कि पाँच बजेंगे और मैं दूध का डन जाऊंगी। यार सारा टाइम पे ही काम करा है पूरा। अब हो गया है शाम का टाइम और हम दोनों बहनें चल रहे हैं दूध निकालने के लिए। रुचि ले ली बाल्टी, चलो निकाल लो। आप भी जाओगी क्या घर में? ठीक है, तो हम चल रहे हैं दूध निकालने। तो यहाँ देखिए पहुँच गए हैं हम घेर में और निकाल लेंगे दूध। सबसे पहले रुचि ने पिला दिया है पानी और मैंने हटा दिया है गोबर वगैरह सारा, और बस साफ सफाई करके इनके नीचे पानी दिखा के तभी जा के दूध निकालते हैं। घास भी डाल दिया, घास तो पड़ा था इनके आगे, रुचि ने देख लिया था। अनुज भैया मतलब डाल के गए होंगे थोड़ी देर पहले ही, और बस अब छोड़ दिया है बछड़ा। और बछड़े को एक थन का दूध पूरा ही पिला देते हैं, क्योंकि अभी ये मुझे लगा एक महीने का ही हुआ, छोटा ही है, तो अभी दो तीन महीने का जब तक होगा तो बस थोड़ा ही दूध पिलाए, मतलब एक थन का पिलाएंगे, उसके बाद फिर कम कर देंगे। जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो ये घास वगैरह तो खाते नहीं, फिर दूध ही पिलाना पड़ा है ना, और बस ये छक जाते हैं, बाद में तो थोड़ा बहुत ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए एक थन अच्छे से पी लिया था तो मैंने बांध दिया साइड में। और वैसे आप किसी का कमेंट भी आ रहा था, बोल रहे थे कि गाय के पास ही बांध दिया करो, तो फिर गाय वो नहीं करती, लेकिन ये जैसा बांधते हैं ना तो फिर ये दूध पीने के लिए करते हैं, तो परेशान हो जाती है गाय, फिर बहुत तंग करती है, इस वजह से इसको साइड में ही बांध देते हैं। और यहाँ बस देखिए रुचि मारने लगी है चोकर और मैं निकालने लगी हूँ दूध। और जब जैसा कंटिन्यू काम करते रहते हैं तो थोड़ी सी आदत सी बनी रहती है, लेकिन अब कभी कभी करते हैं ना तो थोड़े मुझे मेरे हाथ से दुखने लगते हैं दूध निकालते हुए, लेकिन फिर भी है, चलो मैं निकाल लेती हूँ, यह नहीं है कि भाई करती नहीं। और ये गाय हमारी देखिए कितनी परेशान करती है, बस पैर उठाती रहती है, उठाती रहती है, बहुत परेशान करती है, बहुत देर में जाके इसका बैलेंस बना है दूध देने का। तो यहाँ जी मैं निकाल लेती हूँ दूध, और गाय का दूध तो आपको पता ही कितना हेल्दी होता है, और घर का है मतलब अपने ही आप निकालना, अपने आप पीना। अब बारी आ गई है रुचि की दूध निकालने की, थोड़ा मन्ना निकाला, थोड़ा रुचि निकाल लगी, मेरे दुखने लगे थे हाथ, असल में आदत सी नहीं रहती ना, तो फिर रुचि कहने लगी ला मैं निकाल दूँ, तो निकाल रही है। और मैं मार रही हूँ चक्कर गाय के आगे, मेरा चक्कर बस अब तो निकल ही गया, निकल गया क्या बछड़े को? ला छोड़ दूँ मैं, सब पी लगा। और बस दूध निकाल लिया और फिर से छोड़ दिया है बछड़े को दूध पीने के लिए, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ, क्योंकि गाय को ये कहते हैं कि गाय ना चाहे सारा हम दूध निकाल लें फिर भी अपने बछड़े के लिए, अपने बच्चे के लिए ना रखती है, और जब जैसा बछड़ा छोड़ देते हैं फिर से वो दूध उतार लेती है, ये होता है गाय का।
तो यहाँ उस जब तक वो दूध पिएगा तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू सी भी लगा दूंगी, अच्छे से साफ सा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पूरे घेर में लगा दूंगी गाय के नीचे भी झाड़ू साफ कर। और अब देखिए हम पहुंच गए थे घर, और जब मैं गई घर तो मम्मी लग रही थी अंदर कमरे में। मैं गई, मक्का क्या कर रहे, कह रही कि मैं नाज निकाल रही हूँ तुम्हारे लिए, ले जाने के लिए हम लेके जाएंगे पिंजौर। वैसे तो हमने वहाँ पे ले लिया था, लेकिन वो अब मतलब हमारा एक ही गट्टा रह रहा, तो अभी गाड़ी आ रही थी, मम्मी पूछ रही थी कि है क्या, वहाँ गेहूँ मक्का एक ही रह रहा लास्ट वाला जो धोया था। कहने लगी चल गाड़ी तो खाली जाएगी और एक दो गट्टे लेते जाइयो, इस बार ले गए नहीं थे हम गाँव से, हमने वहीं से ही ले लिया था, तो वो जो हमने लिया था वो हमारा मतलब ख़त्म होने वाला। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है टंकी में से नाज, और बस मम्मी ले आई है गट्टे, तो इनमें दो गट्टों में हम भर लेंगे दोनों। और वैसे तो अंधेरा ही हो गया है, लेकिन फिर भी मम्मी लग रही थी, मैं कहा चलो मैं लग के करवा देती हूँ। फिर सुबह ही हमें जाना है, जाने की तैयारी करेंगे। तो अभी शाम को ही बहुत सारा सामान ऐसा जो पैक करना ये मैं करवा दूंगी मम्मी के साथ, सुबह जाने की है हमारी तैयारी। निकलना तो आज ही था, लेकिन बस मम्मी कहने लगी कि नहीं एक दिन और रुक जाओ, वरना आज ही जाना था, यीशु का स्कूल छूट रहा 2-3 दिन से। तो माँ का ऐसा ही होता है, माँ तो सोचती है अपने बच्चों को कि हमारे पास ही रहे, लेकिन भाई रह के भी नहीं काम चलता जब काम देखना पड़ा है सारा। और कुछ लोग तो बोलते हैं कि आप गांव में क्यों नहीं रहते, ये काम गांव में भी हो सकते हैं। भाई जी अगर गांव में रह कर काम चलता तो हम जरूर चलाते, लेकिन नहीं चलता, मतलब काम की वजह से ही हमें बाहर निकलना पड़ा है। तो यहाँ देखिए जी, बस खैर दोनों सास बहू मिलकर कर लेंगे ये अपना नाज के गट्टे। फिर एक गट्टा और मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया था, मम्मी कह रही थी कि धो दूंगी मैं यहाँ के लिए, और वो भी निकाल दिया, तो 2-3 गट्टे हमने भर लिए और रख देंगे, बाकी जो बचे हुए उनको लगा मतलब झाड़ू से साफ सूफ कर दूंगी। तो बस अब हो गया शाम का टाइम, अब देखते हैं खाने का, रुचि लगी हुई थी रसोई में, और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।